हेलो एवरीवन। तो देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिया था हाइड्रोकार्बन का। क्वेश्चन नंबर 21 से कहा था, देखा था 30 तक देख लिया था हाइड्रोकार्बन। अभी आज 31 से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज द मोस्ट स्टेबल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? CH2, यहाँ पे OH होता है, और यहाँ पे क्या होता है? CH2OH होता है। तो इसमें सबसे मोस्ट स्टेबल कंफर्मर कौन सा होता है? तो इसमें देखो, देखो जनरली क्या होता है, एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। बट देखो एंटी फॉर्म क्या होता है, जनरली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल है जिसमें OH OH दूर है। बट इसमें जो ऑर्थो वाला होगा, जो यहाँ पे कौन सा होगा, गाउस फॉर्म होगा, गाउस फॉर्म होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इसका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। गाउस फॉर्म क्या होता है, स्टेबल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गाउस इफेक्ट बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा तो वो एंटी से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखते हैं। 32 क्या कह रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 एंड C5 एंड C6 कार्बन एटम। तो एक एक करके, C2 कौन सा, ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, एसपी हाइब्रिड, 2 सिग्मा बॉन्ड। C3 SP3, C5 SP। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, एक और भी चेक कर लेंगे। SP SP3 देखो किसमें है, ये तो है नहीं, SP SP2 है नहीं, SP SP2 है नहीं, SP SP3 है और SP2 है और लास्ट वाला SP3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। 6P क्या हो जाएगा, SP3 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, लोन पेयर काउंट करते हैं, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर होते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। 33 नंबर देख रहे हो, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेंगे? तो देखो, 2-ब्यूटाइन, 2-ब्यूटाइन क्या होगा, CH3 C BBC CH3, तो ये तो सिस ट्रांस नहीं शो कर सकता। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल क्या होगा, CH3 CH2 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 OH, तो ये भी नहीं शो करेगा। 2-ब्यूटिनॉल और 2-ब्यूटीन, तो 2-ब्यूटीन तो सिस ट्रांस शो करेगा, ये डी ऑप्शन। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, ये तो शो करेगा, सिस ट्रांस शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ब्यूटीन ऑल का देखो, 2-ब्यूटीनॉल का मतलब देखो, ब्यूटीन तो 2 पे है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो CH3 है, CH है, और OH अगर कहीं पे भी लगाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे मान लो, अगर कहीं पे यहाँ पे OH लगाए, चाहे यहाँ पे OH लगाए, कहीं पे मान लो यहाँ पे OH लगाते, तो भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, GI तो शो करेगा। बट यहाँ पे तो बोला गया केवल सिस ट्रांस बोला गया है, तो ये सिस ट्रांस नहीं होगा, इसका कौन सा होगा, EZ होगा। EZ कॉन्फिगरेशन डिफाइन करेंगे, क्योंकि सिस ट्रांस नहीं होगा। वैसे यहाँ पे ब्यूटीन OH का पोजिशन नहीं बताया कि OH का पोजिशन कहाँ पे है। ब्यूटीन टू टू ब्यूटीन ऑल लिखा हुआ है, यानी कि ब्यूटीन तो 2 पे तो डबल बॉन्ड है, और वहां पे डबल बॉन्ड है। अगर मान लो डबल बॉन्ड का, अगर अच्छे से यहाँ पे लिखा रहता कि डबल बॉन्ड कहाँ पे, ओएल कहाँ पे है, ओएच कहाँ पे है, तो वहां से क्लियर हो जाता कि ये होगा। तो लेकिन डी तो कंफर्म है कि ये क्या होगा, सिस ट्रांस शो करेगा। इसमें OH का पोजिशन नहीं बताया, या डबल बॉन्ड का तो ब्यूटीन ने बताया यहाँ पे, तो सी ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा बट सिस ट्रांस नहीं शो करेगा। क्लियर हो गया, EZ वाला होगा, या फिर हो सकता है कि कुछ अलग ऑप्शन हो, या गलती से यहाँ पे कुछ और प्रिंट हो गया हो, बट डी ऑप्शन तो करेक्ट है। समझ में आ गया होगा। बेंजीन रिएक्ट विथ CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन क्या हो रहा है, बेंजीन किसे रिएक्ट कर रहा है, CH3Cl से क्या होता है, रिएक्ट करता है, और किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में अगर करेगा, तो यहाँ से AlCl3 चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन का कहाँ पे अटैक हो जाएगा, और तो या पैरा पे कहीं पे क्या होगा, आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे CH3 आगे क्या हो गया, कहीं पे जुड़ सकता है, तो टोलुइन बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, टोलुइन बन जाएगा। समझ में आ गया। कौन सा रिएक्शन होता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है।
क्या बन जाएगा, टोलुइन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 35 नंबर। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, CH3CH CH डबल वन, ऐसे HBr से रिएक्शन कराना। तो सिंपल क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, कार्बो कैटायन फॉर्म होता है, देन इंटरमीडिएट, देन वो रीअरेंज करके क्या बनता है, H+ आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, और H+ आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट करने वैसे कार्बो कैटायन कहाँ पे आ जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH2, और ये हो गया CH3 हो गया। तो यहाँ कार्बो कैटायन और मोस्ट स्टेबल, पहले यहाँ पे कार्बो कैटायन बना था, बट ये रीअरेंज करके यहाँ पे आ गया इस वाले पे। अब यहाँ पे जो Br- है न्यूक्लियोफाइल है, तो Br- क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा, और Br आगे जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C यहाँ पे क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, और यहाँ पे CH3 जुड़ गया, यहाँ पे CH2 है, और ये CH3 है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो ए तो सही है नहीं, ए बी ये है नहीं, बी है नहीं, सी भी नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। डी देखो यहाँ पे बी आर और सी एस थ्री का एक ही जोड़ से, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, 35 नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, इजी है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पे क्या है, यहाँ पे कौन कौन सा, 1, 3 एंड 5 पे पूछा गया। तो 1 पे क्या है, sp3 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 सिग्मा बॉन्ड, ये और ये कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो एक sp हो गया, sp, देन sp3, और लास्ट वाला कौन सा, 5 पे पूछा गया, तो ये sp2 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आ जाएगा, sp3 एंड sp2। समझ में आ गया होगा, 36 हो गया। 37 नंबर देखते हैं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ 1-ब्यूटाइन। ये 1-ब्यूटाइन दिया हुआ, 1 पे क्या जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसमें हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो पहले तो HCl से रिएक्शन होगा, तो H+ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बो कैटायन आएगा, और यहाँ पे ये H आके जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा, जब H+ यहाँ पे जुड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, Cl क्या होगा, अटैक कर लेगा कहाँ पे, Cl यहाँ पे अटैक करेगा, Cl क्या हो जाएगा, अटैक कर लेगा, और क्या बन जाएगा, पहले प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, CCl1 क्या आएगा, CH2 आएगा। अभी देखो यहाँ पे फिर से एक बार और HI से रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, H+ आएगा कहाँ पे जुड़ेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, मतलब देखो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे H+ आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कार्बो कैटायन आएगा। अब इस पोजिशन पे कार्बो कैटायन क्यों आया था, इसको मैं समझा देता हूँ, CH3 CCl हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे कार्बो कैटायन, इस पे कार्बो कैटायन क्या हो गया, यहाँ पे H+ क्यों गया, ये इधर पे इस पे पॉजिटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर सीधे यहाँ पे क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल ट्रांसफर +M इफेक्ट शो करेगा, इसका +M इफेक्ट शो करेगा। हालांकि देखो बेंजीन में हम लोगों ने पढ़ा था, ये बेंजीन वाले केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरीन लगेगा तो इसका क्या लगेगा, +M भी रहेगा और -I भी रहेगा, और दोनों का नेट जो देखते हैं वो क्या आता है, -I आता है, नेट जो होता है वो क्या आता है, -I आता है। बट यहाँ पे क्या है, अभी कोई डबल बॉन्ड जैसा है नहीं, केवल लोन पेयर के साथ जस्ट क्या है, यहाँ पे सी पे कार्बन है, तो यहाँ पे केवल इसका +M तो होगा, -I भी होगा, लेकिन +M डोमिनेटिंग होगा, स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी कार्बो कैटायन की, तो +M ज्यादा, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे जो I- है, I- होगा वो क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, I- क्या होगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा, और यहीं पे आगे जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CCl I हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, CH3 हो गया, उसी पोजीशन में जहां पे ब्रोमीन जुड़ा है वहीं पे क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन आके जुड़ जाएगा। तो अब देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे जुड़ा गया है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन में क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा, आयोडीन यहाँ पे जुड़ा, तो ये भी इनकरेक्ट है। इसमें देखो सेकंड कार्बन पे क्लोरीन और आयोडीन को जोड़ा गया है, ये करेक्ट आंसर है, और डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, पहले एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और उसमें क्या होगा, फिर फर्दर एक और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। तो C5H10 से क्या करना है, ओजोनोलाइसिस से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है ओजोनोलाइसिस से। तो अब देख लेते हैं ओजोन कब से बनेगा, मतलब ओजोन क्या होता है, सॉरी एसीटोन कब होता है, CH3CO CH3 बनना चाहिए, एसीटोन आना चाहिए। तो बाकी तीन कार्बन तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, अब बाकी देख लो कौन से होंगे। पहले एक एक करके ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, 1 पे क्या है ब्यूटीन है और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है CH3। तो यहाँ से अगर मान लो ब्रेक करेंगे ओजोनोलाइसिस होगा तो क्या आएगा, HCHO आएगा और यहाँ भी एल्डिहाइड आएगा, यहाँ एल्डिहाइड यहाँ एल्डिहाइड, तो दोनों एल्डिहाइड आएंगे तो ये होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा देख लेते हैं साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन में तो साइक्लो ये तो साइक्लोपेंटेन दिया, तो इसमें तो ओजोनोलाइसिस ही नहीं होगा, बी ऑप्शन में ओजोनोलाइसिस ही नहीं होगा। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, तो 1 पे क्या है ब्यूटीन है, 4 कार्बन है और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा। तो इसमें देखो यहाँ पे तो ये तो एल्डिहाइड में आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, और ये आएगा कीटोन आएगा, बट यहाँ पे कितने कार्बन है, ज्यादा कार्बन है तो एसीटोन तो नहीं बनेगा, एटलीस्ट जो आएगा कीटोन आएगा वो क्या आएगा, CH3CO CH2 और एक और CH3 आएगा, एसीटोन तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो सी ऑप्शन से कीटोन बनेगा तो एसीटोन नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और 2 पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 कर दो ऐसा हटा के। अब इसका अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा, कीटोन आएगा और इधर वाला क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा। तो प्रोडक्ट क्या क्या बन जाएगा, CH3CO CH3 बन जाएगा और एक आ जाएगा एल्डिहाइड इधर, CH3C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। तो यहाँ पे एसीटोन बन गया, एसीटोन बन गया, तो यहाँ 38 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्किन्स विल रिएक्ट फास्टर विथ H2 अंडर कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो कौन सा H2 क्या होगा सबसे फास्ट जुड़ेगा, एल्किन्स में कौन सा H2 क्या होगा, रेट ऑफ HOH कब ज्यादा होगा, HOH रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा कब होगा। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक में अगर हीट ज्यादा रिलीज होगा, हीट ज्यादा रिलीज होगा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट क्या होगा मोर स्टेबल होगा, प्रोडक्ट क्या होगा मोर स्टेबल होगा, तभी हीट ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी उसकी कम होगी प्रोडक्ट की, तो हीट ज्यादा रिलीज होगा, और ज्यादा रिलीज होगा तो रेट क्या होगा, मतलब क्या होगा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट क्या होगा फास्ट होगा। तो किसमें प्रोडक्ट, तो जो हम लोग क्या करते हैं ना HOH कंपेयर कर लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा मतलब हीट ज्यादा रिलीज होगा तो उसमें क्या होगा, मतलब उसका प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी यानी प्रोडक्ट स्टेबल होगा, अब प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा फास्ट होगा, समझ में आ रहा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं, हाइड्रोजनेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है अगर वो ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है यानी प्रोडक्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है यानी कि रेट क्या होगा फास्ट होगा। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्टेबिलिटी होता है, जिसमें स्टेबिलिटी कम होगी उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा ज्यादा होगा, तो जिसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा उसमें रेट क्या होगा फास्ट होगा। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं 39 में, देखो ये देखो सबसे ज्यादा इसमें देखो तो 12 वो क्या है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो सबसे ज्यादा एल्कीन स्टेबल हो जाएगा, इसमें क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन क्या आएगा तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ जहाँ आ रहे हैं वहां पे तो 3 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे ना, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 और 2 3 और 3 कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 3 और 3 क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ये इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मैंने बताया था जहाँ पे दोनों आर लगे रहते हैं एक साथ लगे रहते हैं वो वाला क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन, ये के कंपेरिजन ये स्टेबल है तो इससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आएगा कम आएगा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा
सबसे ज्यादा होगा, एच ओ एच सबसे ज्यादा होगा, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी कि रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रहेगा तो नीचे लिख के बता देना कि सर ये नहीं समझ में आया कमेंट में, तो मैं बता दूंगा फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। 14 नंबर देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट तो देखो एल्काइन का क्या करना है, ओजोनोलाइसिस कराना है। एक तो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन बनता है, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है। यहाँ पे तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्काइन का हाइड्रोलिसिस तो वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, तो यहाँ से ब्रेक कर दो, जो ये वाला कार्बन सीओएच में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन किस में हो जाएगा, सीओएच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सी एस थ्री सी ओ एच आएगा, सी एस थ्री सी ओ एच आएगा, और इधर दो कार्बन है, दो कार्बन है और सी ओ एच आ जाएगा, ये वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा सी ओ एच में। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एल्डिहाइड एल्डिहाइड हो गए ना, वो तो किसमें होते हैं, इसमें होते हैं एल्डिहाइड एल्कीन में होता है, यहाँ पे सी ओ एच तो ठीक है, लेकिन ये वाला कीटोन नहीं होगा और इसमें सी ओ टू रिलीज किया है, सी ओ टू नहीं होगा, एक तो सही है दूसरा सी ओ टू नहीं होगा, ये वाला पोर्शन भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये देखो 10 ईयर तक कंप्लीट हो गया, 2017 से लेके 2007 तक, 7 तक ही देखना था, या तो 5 तक, 10 ईयर का, 10 ईयर का मैंने बोला था कि 10 ईयर के क्वेश्चन कर लो, अभी 10 ईयर का केवल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 14 नंबर हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर का, दूसरे वीडियो दूसरे चैप्टर का।